अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? सबको बहुत सारे मुबारकबाद और बधाई दे के हम शुरू कर रहे हैं बायोफ्लॉक ऑनलाइन ट्रेनिंग का और एक एपिसोड। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि साइंस बिहाइंड बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, बायोफ्लॉक के पीछे का विज्ञान क्या है, पीछे का साइंस क्या है और बायोफ्लॉक किस तरह काम करता है, ये हम इस पार्ट में इंशाल्लाह सीखेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग गौर से देखेंगे वीडियो को। और इससे पहले एक बात बता देता हूँ कि आप लोग अगर हमारा चैनल में नया है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली जो पार्ट आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोगों को अगर हमारा जो ग्रुप है बायोफ्लॉक के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम में, जो हमारा इंग्लिश, बांग्ला और हिंदी में है, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप चाहे तो उधर ज्वाइन कर सकता है और उसमें आप लोगों को इंशाल्लाह बायोफ्लॉक के बारे में और भी जानकारी मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो चलो हम दोस्तों हम देखते हैं कि साइंस बिहाइंड बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, बायोफ्लॉक के पीछे का विज्ञान क्या कहते हैं। ओके, वेस्ट फ्रॉम फिश यूरिन, अनईटन फीड, यूरिन कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज एमोनिया नाइट्रेट नाइट्राइट दैट इफेक्ट वाटर क्वालिटी इन द फिश। ओके, इसका मतलब है हमारा टैंक के अंदर जो मछली होता है, मछली को जो हम खाना देते हैं, खाना देने के बाद कुछ खाना मछली खाते हैं और कुछ खाना नहीं खाता है। जो नहीं खाता है उसको हम कहते हैं अनईटन फीड, और जो खाते हैं उस खाना बाद में मछली का वेस्ट का तौर पे पॉटी कर देते हैं। ओके, ये जो वेस्ट है, मछली का वेस्ट, पॉटी वगैरह और जो अनईटन फूड है, वो सारे मिलके टैंक के अंदर एक गैस तैयार करता है जो पॉइजन है, उसको हम कहते हैं एमोनिया। ठीक है, उस एमोनिया असल में एक पॉइजन है और उस पॉइजन को हमें टैंक से हटाना है। अगर हम उस पॉइजन को नहीं हटाया तो फिर उस एमोनिया हमारा मछली को मार देंगे। अभी इस एमोनिया को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक तरह का बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब ये ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का तौर पे हम इधर में माइक्रोब लिफ्ट N1 या फिर माइक्रोब लिफ्ट N2 जो भी है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज आप लोगों को बता देता हूं कि नॉर्मली इंडिया बांग्लादेश में जितने सारे लोग अभी बायोफ्लॉक कर रहे हैं ना, मैक्सिमम लोगों का टैंक का एमोनिया कंट्रोल नहीं होता है, एमोनिया बहुत ज्यादा हो जाता है। कुछ लोगों ने मुझे तस्वीर इस तरह भेजा है कि उन लोगों का एमोनिया 8 से ऊपर हो गया। सोचो, मतलब 8 आपका एमोनिया हो गया। इसका वजह यह था कि एमोनिया कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपने जो बैक्टीरिया इस्तेमाल किया है उस बैक्टीरिया के अंदर नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया है नहीं। ये ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है उसको हम नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया भी बोलते हैं। नाइट्रिफिकेशन का बैक्टीरिया का जो काम होता है ये होता है एमोनिया को रिड्यूस करना, इसको कन्वर्ट करना। लेकिन अगर आपका प्रोबायोटिक के अंदर नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया नहीं है तो एमोनिया कभी भी कंट्रोल नहीं होगा, ये मसला है। और दूसरा मसला ये है कि कुछ लोग FCO बोल के, ठीक है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है, बस FCO बेच रहे हैं, वो टैंक के अंदर मोलासेस और प्रोबायोटिक थोड़ा सा डाल के बस उस FCO बेच रहे हैं, इससे लोग बायोफ्लॉक करने का कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से लोग नुकसान पे आ रहे हैं। कुछ प्रोबायोटिक कंपनी है जो बायोफ्लॉक का जब धूम मचा हुआ है उस टाइम पे उन लोगों ने लेवल चेंज करके बस बायोफ्लॉक के जो कंटेंट होता है प्रोबायोटिक का वो लिख देता है ऊपर, बस वो बेच रहा है। लोगों ने तो खरीदने से पहले वो कंटेंट ही देखना है ना कि अच्छा इसके अंदर ये है, बस जब इस्तेमाल करता है उसके बाद देखा कि कोई काम नहीं कर रहा है। और कुछ लोग है प्रोबायोटिक का धंधा अपना अपना भी बना रहा है, कुछ लोग तो अपने खुद भी प्रोबायोटिक बना रहा है, इतने बड़ा साइंटिस्ट हो गया कि यूट्यूब का वीडियो देख देख के अपना अपना प्रोबायोटिक बना के वो भी बेच रहा है लोगों से। भाई यूट्यूब का वीडियो देख के अगर आपको सब कुछ मिल जाता ना तो फिर तो दुनिया में स्कूल कॉलेज इनका जरूरत ही नहीं होता ना। यूट्यूब देख देख के लोग हर चीज में कामयाब हो जाता, ठीक है। और एक चीज आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया है इसको तैयार करने के लिए आप किसी भी यूट्यूब वीडियो से देख लो कभी भी तैयार नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। पहला क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि आप एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो, यानी आपको प्रोबायोटिक के बारे में या फिर उसका शेल वगैरह सब कुछ के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज है और आप पढ़ाई करके माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो। दूसरा, आपके पास अच्छी सी लैब होना चाहिए, जिस लैब के अंदर अच्छे जो महंगा वाला इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए, तब जाके आप ये
बना सकता है। अगर आप घर बैठ के वो चावल का गुरा और केले का पत्ते देके अगर नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया बना लिया ना, तो आपको तो नोबेल मिलना चाहिए भाई। तो इस तरह नोबेल आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया होगा ही नहीं है। ठीक है, कुछ लोग तो मैंने वीडियो देखा है, इंडिया में गोबर से भी बायोफ्लॉग कर रहे हैं। ठीक है, अब पता नहीं वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, लेकिन जिसने ये टेक्नोलॉजी किया है उसको तो नोबेल देना चाहिए, अगर ये सचमुच बायोफ्लॉक है। तो आप लोगों को भी पता है कि ये सचमुच है कि नहीं। जो भी है, इन्वेंशन करना एक चीज होता है, लेकिन गलत लाइन पे लोगों को भड़काना दूसरा चीज होता है। लेकिन बायोफ्लॉक लेके अभी जो चल रहा है ना, वो ज्यादातर लोग अपने स्वाद के लिए लोगों को गलत गलत ट्रैक पे ले रहा है। ये मसला है कि अपने स्वाद के लिए लोगों को गलत ट्रैक ट्रैक पे ले जा रहा है, गलत चीजें सिखा रहा है, ये मसला है। तो बायोफ्लॉक अगर आप करना चाहते हैं, आपको अच्छी तरीके से करना है, और अगर अच्छी तरीके से साइंस के मुताबिक आप बायोफ्लॉक करेंगे, आपको कभी भी कोई भी मसला नहीं होगा। ठीक है, ये जब हम N1 इस्तेमाल किया, आप चाहे तो कोई भी नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया इस्तेमाल कर सकता है, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया इस्तेमाल करने के बाद ये जो हमारा एमोनिया है, एमोनिया रिड्यूस हो जाता है, एमोनिया कन्वर्ट होके NO2 में पैदा होता है, नाइट्रेट। अब NO2 जो है, ये भी एक तरह का पॉइजन है। ठीक है, इस पॉइजन को निकालने के लिए, इस पॉइजन फिर दोबारा क्या होता है, नाइट्रेट नाइट्रेट में बदल जाता है, NO3 पे। ठीक है, तो जो हमारा एमोनिया है, एमोनिया को कंट्रोल करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया इस्तेमाल किया है। नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया इस्तेमाल करने के बाद ये कन्वर्ट होके NO2 होता है, NO2 पॉइजन होता है, लेकिन उसके बाद ये फॉरेन NO3 भी हो जाता है, NO3 पॉइजन नहीं है। ठीक है, ये जो NO3 है, NO3 पॉइजन नहीं है, लेकिन NO3 को भी हमें टैंक से निकालना पड़ेगा। NO3 को टैंक से निकालना पड़ेगा इसलिए क्योंकि NO3 अगर आपका टैंक के अंदर 10 PPM से ज्यादा हो गया, तो आपका मछली का ग्रोथ रुक जाएगा, मछली बढ़ेगा नहीं, जितना भी खाना दो वो खाना भी नहीं खाएगा और मछली का ग्रोथ भी नहीं होगा। तो इस वजह से हमें NO2 को भी टैंक से निकालना पड़ेगा। NO2 को टैंक से निकालने के लिए हम दूसरा एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करता है, उसका नाम है हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया, और उसके साथ हम ऐड करते हैं मोलासेस। ये हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया हम इस्तेमाल करते हैं पाउडर के तौर पे। ये हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया और मोलासेस, इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं एयरेशन। ये जब सारे चीज आ जाएगा तो ये दो हिस्से में बांट जाता है, एक हिस्सा होता जाता है नाइट्रोजन गैस, और दूसरा हिस्सा में हमें मिलता है बायोफ्लॉक, जो फ्लॉक के तौर पे हमें दिखाई देता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब हमारा टैंक के अंदर एमोनिया होता है, एमोनिया को निकालने के लिए हम एक तरह का ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया इस्तेमाल करता है, जो नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया हमारा जो एमोनिया है उसको कन्वर्ट करके NO2, जो एक पॉइजन है, उसके बाद उसको NO3 में बदल देता है। NO3 पॉइजन नहीं है, लेकिन NO3 हमारा टैंक के अंदर ज्यादा हो गया तो हमारा मछली का ग्रोथ नहीं होगा। तो इस वजह से NO3 को भी हमें रिमूव करना है। NO3 को रिमूव करने के लिए हम दूसरा एक बैक्टीरिया इस्तेमाल करता है, उसका नाम है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, और उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं मोलासेस एज ए कार्बन सोर्स, और उसके साथ देते हैं हम एयरेशन। उसके बाद ये दो हिस्से में बढ़ जाता है, एक होता है नाइट्रोजन गैस के तरह पे चला जाता है, और दूसरा जो रहता है वो है बायोफ्लॉक। तो ये जो बायोफ्लॉक सिस्टम है, इस बायोफ्लॉक सिस्टम के अंदर आपको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आएगा। जब हम इमहोफ कोन लेंगे, और इमहोफ कोन के अंदर जब पानी लेंगे, टैंक टैंक से पानी लिया और नीचे कुछ चीज बैठ जाता है, उसको हम कहते हैं फ्लॉक। लेकिन ये जो फ्लॉक है, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अलाइव है। कुछ लोगों को मैं क्लेरिफिकेशन करके देता हूँ कि जो मैला होता है, वेस्ट होता है, स्लज होता है, वो भी नीचे बैठ जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ है नहीं, वो आपका टैंक का एमोनिया ही बढ़ाएगा। लेकिन अगर आपका टैंक के अंदर सचमुच फ्लॉक है, तो उसके अंदर आपको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आएगा, जो आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आएगा, जो जिसका अलाइव है, जिसका जान है। क्या है इस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम बता रहे हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है नीमाटोड, रोटिफार, पैरामिशन, कॉपी पॉट, शीलेट, फ्लैट वर्म, रेड वर्म। इस तरह का बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा बायोफ्लॉक सिस्टम के जो फ्लॉक होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम क्या है? ये एक तरह का ग्रुप ऑफ आर्मी होता है। आपका टैंक के अंदर
आपका टैंक को सिक्योर करने के लिए ये ग्रुप ऑफ आर्मी है। और ये जो आर्मी है ना, इसका काम क्या है, जो बाहर का जो बुराई बैक्टीरिया आपका टैंक के अंदर में घर नहीं बना सकता है, क्योंकि ये इसको हटा देता है। इसके वजह से क्या होता है कि आपका टैंक के अंदर कभी भी डिजीज नहीं होता है। इस वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से, हमारा जो बायोफ्लॉक सिस्टम है, इसको हम कहते हैं कि 100% इसके अंदर कभी भी डिजीज नहीं आता है। वजह, जब आपका टैंक के अंदर ये प्रोबायोटिक एक्टिवेट होता है और इसके अंदर जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और ये मल्टीपल होता रहता है बहुत ज़्यादा, जब आप मोलासेस ऐड करेंगे तो ये मल्टीपल हो जाता है, तो मल्टीपल होके ये ग्रुप ऑफ आर्मी हो जाता है और ये आपका टैंक के अंदर बुराई जो चीज़ है, बुराई बैक्टीरिया या फिर कोई भी बैड बैक्टीरिया आता है ना, तो उसको निकाल देता है, रिमूव कर देता है। तो इस वजह से हमारा टैंक के अंदर कभी भी डिजीज़ नहीं आता है। लेकिन अफसोस की बात है कि इंडिया बांग्लादेश में बहुत सारे लोग कर रहे हैं और उन लोगों के पास डिजीज ही डिजीज आ रहा है। मसला यह है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से बायोफ्लॉक नहीं कर रहे हो। बायोफ्लॉक करने के लिए पहले बायोफ्लॉक को समझना पड़ेगा कि बायोफ्लॉक सिस्टम क्या है, ये किस तरह काम करता है, साइंस बिहाइंड बायोफ्लॉक, ये सारे चीज़ जब आप समझेंगे, वाटर पैरामीटर के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि वाटर पैरामीटर कैसा होता है, क्या होता है, किस तरह आपको रखना चाहिए, सारे चीज़ जब समझ में आ जाएगा फिर आपको ये चीज़ में सक्सेस मिलेगा। ये देखो निमाटोड जो होता है, ये माइक्रोस्कोप के अंदर आपको इस तरह नज़र आएगा, ये है निमाटोड। ये सारे चीज़ अलाइव है, ये जब माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो ये हिलेगा, ये अलाइव है निमाटोड। ये रोटीफर है, ठीक है, रोटीफर को कहते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा एनिमल जो होता है, छोटा जान, जिसमें सबसे छोटा है ये दुनिया का। ये पैरामिशन, ये देखने में तो दीप जैसा लग रहा है, आइसलैंड जैसा। ये कॉफी पॉट मच्छर जैसा लग रहा है, ठीक है। ये शीलेट, ये थोड़ा सा देखने में हमारा जो लीवर जैसा लगता है, ठीक है। उसके बाद रेड वर्म और फ्लैट वर्म तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये सारे चीज़ अगर आपके टैंक के अंदर मौजूद है तो जाके आपका परफेक्ट बायोफ्लॉक हुआ है। और जब आपका टैंक के अंदर परफेक्ट बायोफ्लॉक होगा ना, तो इसके अंदर कभी भी कोई डिजीज़ नहीं आएगा, ठीक है। और आपका टैंक के अंदर कभी भी एमोनिया इतना ज़्यादा नहीं भरेगा, 8 ज़्यादा कभी नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत एमोनिया बढ़ जाएगा अगर आपने सही से पैरामीटर को चेक नहीं किया, लेकिन उतना ज़्यादा तो कभी नहीं भरेगा, क्योंकि ये जो फ्लॉक होता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जब आप मोलासेस देते रहेंगे ना, ये मल्टीपल होता रहता है। और जब ये मल्टीपल होता रहेगा तो आपका जो स्लज होगा, उस स्लज को ये फॉरेन कन्वर्ट कर देता है। तो स्लज को जब कन्वर्ट करेगा तो पानी के अंदर एमोनिया बढ़ने का चांसेस है ही नहीं। लेकिन फिर भी लोग जो कर रहे हैं, उन लोगों को टैंक के अंदर एमोनिया इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका वजह यह है कि आपके टैंक के अंदर ये जो फ्लॉक है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एक्टिवेट है ही नहीं। तो इसका वजह है, एक्टिवेट नहीं होने की वजह से आपका टैंक का जो स्लज है ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है और ये स्लज एमोनिया को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पार्ट। इंशाल्लाह अगली पार्ट में हम सीखेंगे सुइटेबल कल्चर स्पीसीज, बायोफ्लॉक के अंदर हम कौन कौन सा मछली कर सकते हैं और कौन सा मछली करेंगे तो हमें अच्छा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। और तब तक अल्लाह हाफिज़। और आप लोगों को अगर कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, या फिर सबसे आसान चीज़ है, हमारा टेलीग्राम में हमारा ग्रुप है जिसमें बंगला, इंग्लिश और हिंदी ग्रुप है। लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा मैंने, और उसमें क्लिक करके हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर सकता है और उसमें क्वेश्चन करेंगे तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सवाल का जवाब देने का, और उधर में काफ़ी सारे नॉलेज भी आप लोगों मिल जाएगा। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलना और शेयर करना, क्योंकि शेयर करने से हो सकता है किसी का पैसा बच जाएगा, ठीक है। और सब लोग अच्छे से रहना, मज़े में रहना, और मुसलमान भाई लोग नमाज़ पढ़ना 5 वक्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।